जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए दहशत गर्दाना हमले में 40 जवान जांबाक हो गए थे। उन 40 जवानों में एक जवान यूपी के जिला शामली के थे। कांग्रेसी सदर राहुल गांधी शामली पहुंचे और मुल्क पर जानिसार होने वाले उस जवान के घर पहुंचे और उनके गमजदा खानदान को तसल्ली दी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं है जो इस मुल्क को बांट सके, खौफजदा कर सके या पीछे हटा सके। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये मुल्क बहादुरों का मुल्क है और इसकी मिसाल हमारे जवानों ने पेश की है। इस मौके पर मशरकी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी व दीगर कांग्रेसी लीडरान भी मौजूद थे। दुख में हम आपके साथ हाथ पकड़ के बैठना चाहते हैं और जो हमारे शहीद हैं, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बाकी सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं। हम उनके सबके परिवारों को बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है जो इस देश को बांट पाए, डरा पाए, पीछे हटा पाए। ये देश वीरों का देश है और उन्होंने एग्जाम्पल बनकर इस देश को दिखाया है। तो हम पूरे दिल से आपको, आपके परिवार को, आपके वीर बेटे को और आपको देश की ओर से धन्यवाद करते हैं।